आज हमने क्या उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें तो बात करते हैं। बड़ी खबरों की तो सदन में कांग्रेस का हंगामा, कोरोना पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्ष ने बेल में आकर के कार्यसूची की प्रतियां फाड़ी हैं। तो कोरोना संकट के कारण महज एक दिन में सिमटे विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने इसी मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा। इस दौरान मर्यादाएं भी टूटी। कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की मांग पर अड़े कांग्रेस विधायकों ने बेल में आकर के नारेबाजी की और कार्यसूची की प्रतियां फाड़ी। सचिव विधानसभा की टेबल पर लगा फाइबर ग्लास भी तोड़ डाला। कांग्रेस ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप जड़ा और कहा कि वह कोरोना पर चर्चा से भाग रही है। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना से 18 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड में 24 घंटे में के अंतराल में कोरोना से 18 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में मौत का यह आंकड़ा अभी तक का सर्वाधिक है। इस अवधि में राज्य में 1069 नए मरीज भी सामने आए हैं। सदन के बाहर सरकार के खिलाफ मुखर हुए संगठन। तो कांग्रेस के विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे, पुलिस ने रोका तो प्रदर्शन किया। तीन तरफ से विधानसभा का घेराव करने पहुंची आप तो पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका तो हुई झड़प। पार्टी पदाधिकारियों समेत 50 कार्यकर्ता पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं राज्य आंदोलनकारी ने भी विष पर प्रदर्शन किया। रोजगार के लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने युवाओं को रोजगार देने की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधानसभा कूच किया। 300 मीटर के दायरे में दिन भर लगता रहा जाम। तो देहरादून में विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र बुधवार को संपन्न हो गया, लेकिन इस दौरान विधानसभा भवन के 300 मीटर के दायरे में आमजन को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। शिवांगी राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला बन गई हैं। तो आकाश में दुश्मनों को धूल चटाने के लिए तैयार राफेल की कमान काशी की मेधावी बेटी बिटिया शिवांगी को सौंपी गई है। वह भारत की पहली महिला होंगी जो 4.5 जनरेशन के इस अत्याधुनिक फाइटर प्लेन को उड़ाएंगी। 24 घंटे में कोरोना से 18 मरीजों की मौत। तो पिछले 23 दिन में कोरोना संक्रमित 261 मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक कुल 530 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले 23 दिन में 261 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 530 पहुंच गया है। बुधवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 18 मरीजों की मौत हुई है। आज बंद रहेगी दून अस्पताल की लैब। तो दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज लैब बंद रहेगी। गुरुवार को लैब को सैनिटाइज करने की वजह से बंद रखा गया है। देहरादून जिले में बीते 23 दिन में 7,500 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दून में 10 कंटेनमेंट जोन समाप्त किए गए, 4 नए बने हैं। चेक पोस्ट पर बाहर से आने वालों की परेड जारी है। तो प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने वाले के लिए अब संस्थागत क्वारंटाइन और कोरोना जांच की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि एसिम्प्टोमेटिक व्यक्ति दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उन्हें सिर्फ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। फिर भी बाहर से आने वाले व्यक्तियों को पंजीकरण दिखाने के बाद भी न सिर्फ बेवजह रोका जा रहा है बल्कि कोरोना जाँच के लिए भी बाध्य किया जा रहा है। केदारनाथ के पुजारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। अंतर्राज्यीय परिवहन खोलने को उत्तराखंड सरकार तैयार है। अनलॉक 4 के दूसरे चरण के तहत सरकार कर रही है तैयारी। तो राज्य सरकार ने अनलॉक 4 के दूसरे चरण के तहत अंतर्राज्यीय परिवहन शुरू करने की तैयारी कर ली है। लंबे समय से रोडवेज व अन्य ट्रांसपोर्टर इसकी मांग कर रहे थे। इस मंजूरी के बाद रोडवेज बसें उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान भी चल सकेंगी और वहाँ की बसें भी यहाँ आ सकेंगी। हालाँकि अंतर्राज्यीय परिवहन अभी सीमित संख्या के साथ शुरू किया जा सकता है। इसके लिए बसों की संख्या तय की जा रही है। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते इसके आदेश जारी हो सकते हैं। वहीं खबर आई है पटेल नगर से, जहां पे अस्पताल के पीछे की गलियों से भागे लुटेरे। तो पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार रात सराफा से हुई लूट की वारदात में पुलिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गिरोह पर फोकस कर रही है। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि वारदात करने के बाद बदमाश श्री महंत इंद्रेश अस्पताल के सामने से होते हुए भागे। लुटेरों की धरपकड़ को कुल 8 टीमों का गठन किया गया है।
आईटीआई में प्रवेश को 11,000 आवेदन, तो प्रदेश भर में 88 एनसीवीटी आईटीआई के लिए प्राप्त हुए आवेदन 25 से दाखिले होंगे। वही खबर है देहरादून से, जहां पे नियमों की अनदेखी पर 16 लोगों का चालान किया गया है। 9 सवालों की बौछार न जवाब पर नोकझोंक, तो कोरोना के साए में हुआ एक दिनी विधानसभा सत्र। उत्तराखंड में 6.37 लाख श्रमिकों ने भुगता लॉकडाउन का खामियाजा, तो प्रदेश में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत 6.37 लाख श्रमिकों को लॉकडाउन का खामियाजा उठाना पड़ा। 4.69 लाख पंजीकृत, केवल 30,000 को रोजगार, तो प्रदेश में अभी रोजगार देने की नहीं है कोई नीति। मार्च के बाद 104 कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र भी बंद हो चुके हैं, तो प्रदेश में अभी बेरोजगारों की स्थिति काफ़ी बिकट है। सरकारी आंकड़ों पर नज़र डालें तो प्रदेश में सभी सेवा योजन कार्यालयों में कुल 4,69,907 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इसके सापेक्ष प्रदेश सरकार ने 3 साल में 30,000 लोगों को ही निजी क्षेत्र में रोजगार दिया है। वहीं प्रदेश सरकार ने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के नोटिस पर मार्च के बाद प्रदेश में चल रहे 104 कौशल प्रशिक्षण केंद्रों पर रोक लगा दी है। इस दौरान वहाँ 15,902 प्रशिक्षित प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, तो प्रदेश सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस क्रम में सरकार पाखरों में टाइगर सफारी, कार्बेट टाइगर रिजर्व में एक सिंह की गेंडे को लाने और उत्तरकाशी में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना करने की तैयारी कर रही है। बात करते हैं ऋषिकेश की खबर की, तो नगर निगम में आए 7 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, तो नगर निगम के विभिन्न कार्यों में आए 50 व्यक्तियों की जांच की गई। शहर में कुल 125 नागरिकों के लिए कोरोना टेस्ट किया गया। खबर आई है ऋषिकेश से ही, जहां पे शारीरिक दूरी के उल्लंघन में फुटकर मंडी को बंद कराया गया। एयरपोर्ट की यात्री क्षमता जल्द होगी 8 गुना, तो देहरादून की जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की यात्री हैंडलिंग क्षमता जल्द ही 8 गुना हो जाएगी। एयरपोर्ट ने नए टर्मिनल में रिटेल बाजार भी बनेगा, इस जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत प्रथम चरण का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्य के दिसंबर तक 100% पूर्ण होने की संभावना है। मार्च में दूसरे चरण का कार्य शुरू होगा। बात करते विकास नगर की खबरों की, तो विकास नगर से खबर आई है, जहां पे युवाओं के समूह ने शुरू किया दुग्ध संरक्षण केंद्र, तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली व 2 बोगियों को विकास नगर में पकड़ा गया है। वाहनों की पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली, तो विकास नगर से खबर है, जहां पर ट्रक व अन्य लोडर वाहनों से जुड़े ट्रांसपोर्टर संगठनों की बैठक में हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में पार्किंग के बाहर खड़े वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। इसी के साथ खबर है ये विकास नगर से, जहां पर चोरी मामले में फरार स्मैक के साथ दबोचा गया है। गढ़वाल की खबरों की बात करते हैं, तो पौड़ी की 3 चौकियों में तैनात हुए प्रभारी, तो पौड़ी विभाग पुलिस विभाग ने जनपद के कई क्षेत्रों में निष्क्रिय पड़ी चौकियों पर प्रभारियों की तैनाती कर दी। जल्द ही इन सभी चौकियों पर विधिवत संचालन शुरू कर दिया जाएगा। भालू के हमले से ग्रामीण घायल, हायर सेंटर रेफर किया गया। थराली से खबर है, जहाँ पे रतगांव में भालू के हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी के साथ खबर आई है श्रीनगर से, जहाँ पे छात्रावास की एक और छात्रा संक्रमित मिली है, तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के चौरास परिसर क्षेत्र स्थित यमुना छात्रावास की एक और छात्रा जांच में कोरोना संक्रमित मिली। उसे भी हॉस्टल के अलग कमरे में आइसोलेट किया गया है। वहीं खबर आई है एम्बुलेंस, गर्भवती ने एम्बुलेंस में बच्चे को दिया जन्म, तो चमोली की गैसन से खबर, जहाँ पे गैसन में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति सुधारने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैसन के चिकित्सकों ने एक गर्भवती को हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन सीएससी में मात्र 1.5 किलोमीटर आगे गर्भवती ने 108 एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया।
खबर आई नई टिहरी से, जहां पे बिना मास्क ड्यूटी दे रहे कक्ष निरीक्षक को लगाई फटकार। तो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति ने हरिद्वार के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण लिया। इस दौरान एक परीक्षा केंद्र में बिना मास्क लगाए ड्यूटी दे रहे कक्ष निरीक्षक को कुलपति ने कड़ी फटकार लगाई। चीनुक हेलीकॉप्टर के लिए केदारनाथ में हेलीपैड तैयार हो रहा है। तो वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर चीनुक को उतारने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने केदारनाथ हेलीपैड तैयार कर लिया है, जिससे यहां पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने को भारी मशीनें पहुंचाई जानी हैं। मंडुए के बिस्कुट बेच कमाए 6 लाख रुपये। तो गोपेश्वर से खबर है, यहाँ पर डीएम ने किया मंडुआ बिस्किट यूनिट का निरीक्षण, आजीविका पर जोर दिया है। खबर है कर्णप्रयाग से, जहां पे महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। नयार घाटी में साहसिक पर्यटन को लगेंगे पंख। तो आज़ादी के बाद से ही उपेक्षित रही पौड़ी जिले की हृदय स्थली कही जाने वाली नयार घाटी के दिन बहुरने की उम्मीद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिशा निर्देश में नयार घाटी पर्यटन के क्षेत्र में अलग पहचान बनाने की तैयारी में है। इसके तहत नयार घाटी में जल्द साहसिक पर्यटन की गतिविधियाँ शुरू होने जा रही। बीएड एमएड और बीपीएड में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों पौड़ी टिहरी तथा श्रीनगर परिसरों में संबंध महाविद्यालय में बीएड एमएड व बीपीएड में सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इन पाठ्यक्रमों में छात्र छात्राओं को स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं के प्राप्तांकों की मेरिट पर प्रवेश दिए जाएंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुल सचिव की ओर से इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 24 सितंबर से अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी जा रही है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है। तो कहा कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो कि यहाँ पे hnbgu.ac.in है, इस पर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया की विस्तृत सूचना तथा आवश्यक निर्देश उपलब्ध हैं। CISCI की परीक्षा 6 अक्टूबर को, तो CISCI की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 9 अक्टूबर के बीच होगी। इसका परिणाम 17 अक्टूबर को जारी होगा। छात्र फेस मास्क के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। उत्तराखंड के 8 पुलों का आज लोकार्पण होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को उत्तराखंड समेत 7 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बने 43 पुलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो रक्षा मंत्री के अनुसार इनमें उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में बने 8 पुल हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोस क्षेत्र के सांसद अजय कुमार टमटा ने बताया कि BRO ने रिकॉर्ड समय में इनका निर्माण किया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो दोस्त निकला कातिल, 200 रुपए के लिए की थी हत्या। तो सिटकुल क्षेत्र से लापता हुए युवक की हत्या उसके दोस्त ने महज 200 रुपए के लिए झगड़े में की थी। पुलिस की पूछताछ में दोस्त ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए झाड़ियों से उसका शव बरामद कराया है। उसके घर से अनुज की बाइक भी मिल गई है। हत्या की वजह सुनकर पुलिस भी हैरान है। वहीं लापता बेटे के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए बैठे परिवार को भी सदमा लगा है। कुंभ का भव्य आयोजन नहीं तो आत्महत्या करेंगे व्यापारी। तो धर्मनगरी के दो व्यापार मंडलों ने कुंभ मेला का भव्य आयोजन कराने की मांग केंद्र और राज्य सरकार से की। उन्होंने कहा कि यदि कुंभ का सूक्ष्म आयोजन किया गया तो व्यापारी आत्महत्या को मजबूर होंगे। मासूम बेटे को लेकर के गंगा में कूदी बिजनौर की विवाहिता। तो पति से नाराज होकर के हरिद्वार पहुंची बिजनौर की एक विवाहिता मासूम बेटे को लेकर गंगा में कूद गई। गनीमत रही कि पुलिस और स्थानीय तैराक युवकों ने महिला और उसके बच्चे को बचा लिया। पुलिस ने मायके वालों को सूचना दे दी है। करीब 60 फीट ऊंचे पुल से गंगा में छलांग लगाने पर मां बेटे का सकुशल बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वही खबर है लक्सर से, जहां पे निकाह का झांसा देकर 5 साल किया यौन शोषण। तो निकाह का झांसा देकर के एक युवक 5 साल तक उसका यौन शोषण करता रहा। युवती के निकाह के लिए दबाव बनाने पर युवक और उसके स्वजनों ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर के कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे अस्थाई जेल से फरार 2 कैदी गिरफ्तार हुए हैं। तो रोशनाबाद अस्थाई जेल से मंगलवार को फरार हुए थे 8 कैदी, जिसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 कैदी की अभी तलाश जारी है। बारिश व हवाओं से धान की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे शराब पीकर हंगामा कर रहे हरियाणा के यात्री को गिरफ्तार किया गया है। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो छात्र संघ भंग होगा या नहीं, कुलपति लेंगे फैसला। तो जांच कमेटी की सील बंद रिपोर्ट निदेशक
तो शोभन सिंह जीना परिसर में छात्र संघ का कार्यकाल और बढ़ाने अथवा उसे भंग कर दिया जाए, इसका निर्णय अब कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति लेंगे। एसजेजे परिसर में धरे गए 3 नकलची। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोभन सिंह जिन्ना परिसर में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा के 9वें दिन 3 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए हैं। वहीं खबर है बागेश्वर से, जहां पे वृद्धाश्रम में टीम ने दवाइयां बांटी हैं। देघाट बाजार 3 दिन के लिए बंद। तो अल्मोड़ा से खबर है, जहां पे पर्वतीय क्षेत्रों में कोरोना वायरस सामुदायिक प्रसार तेजी से बढ़ता जा रहा है, इससे हकलान देघाट बाजार को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। अल्मोड़ा में 255 व बागेश्वर में 118 कोरोना के सक्रिय केस बने हुए हैं। वहीं चचई गाँव में फैली बीमारी की स्वास्थ्य विभाग करे जांच। तो भाजपा कार्यकर्ता ने चचई गांव में फैल रही बीमारी की जानकारी लेने बुधवार को गांव गए थे। वहां के हालात देखने के बाद स्वास्थ्य विभाग से जांच कमेटी गठित करने की मांग की है। खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे राज्य मंत्री रेखा के खिलाफ खोला मोर्चा। तो उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने राज्य मंत्री वह सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी पदाधिकारियों ने मंत्रालय के अधीनस्थ अधिकारी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराने को गंभीर बताते हुए मंत्री से नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने की मांग उठाई है। वहीं बागेश्वर से खबर है, जहां पे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे सरकार। तो यूकेडी की केंद्रीय कार्यकर्ता अध्यक्ष हरीश पाठक ने कहा कि राज्य बनने के 20 वर्ष के बाद भी उत्तराखंड राज्य की हालत बद से बदतर है। संसाधनों की अपार संभावनाओं के बावजूद सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। वहीं खबर है बागेश्वर से, जहाँ पे खरगुका नातोली शिव गुफा का जीर्णोद्धार करे पुरातत्व विभाग। अब कुमाऊनी में पढ़ने को मिलेगी युग पुरुष की आत्मकथा। तो खबर आई है अल्मोड़ा से, जहाँ पे एकात्म मानववाद के प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा अब कुमाऊनी में पढ़ने को मिलेगी। हाई कोर्ट ने राज्य में स्टोन क्रशरों का ब्यौरा तलब किया है। वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहां पे 2 पक्षों में संघर्ष। शिक्षा मंत्री के भाई चोटिल हुए। तो बाजपुर से खबर है, जहां पे पैसे के लेन देन में 2 पक्षों में मंगलवार रात मारपीट हो गई, जिसमें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के भाई अमर पांडे भी चोटिल हो गए हैं। पहले शादी फिर 3 तलाक तो इमाम गिरफ्तार। तो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धोखे से दूसरी शादी कर बाद में उसे तलाक देने वाले इमाम को पुलिस ने खटीमा से गिरफ्तार कर लिया। बात करें नैनीताल की खबरों की, तो नैनीताल से खबर आई, जहां पे विद्यालय की कक्षा में पकड़ा गया 8 फीट लंबा किंग कोबरा। तो शहर के तलीताल स्थित राजकीय इंटर कॉलेज की कक्षा में वन विभाग ने 8 फीट लंबा किंग कोबरा पकड़ा है। अब एसटीएच में खोला जाएगा देश का 4th जन औषधि केंद्र। तो अक्टूबर से सस्ते रेट पर मिलेंगे दवाइयाँ। तो डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में अब मरीजों को सस्ती दवाइयों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, जल्द ही सभी तरह की जेनरिक दवाइयां उपलब्ध होने लगेंगी। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे झाड़ियों के किनारे बदहास व फटे कपड़ों में मिली महिला। तो गोलापार में सड़क किनारे झाड़ियों में बदहास और फटे कपड़ों में एक महिला के मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे। सूचना पर काठगोदाम थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बेसुध महिला को बेस अस्पताल लाया गया, जहां काफ़ी देर बाद उसे होश आया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को भी मौके पर बुला लिया। फिलहाल महिला की हालत ठीक है। रामनगर से लापता हुई 3 महिलाएं। तो अलग अलग जगह से 3 महिलाएं लापता हो गई हैं। परिजनों की ओर से इस संबंध में गुमशुदगी की तहरीर कोतवाली में दी गई है। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की, तो जल विद्युत परियोजना को मिली हरी झंडी। तो 118 करोड़ की लागत से बनेंगे तांकुल परियोजना, 12 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे कोटवी मंदिर में चोरों ने धावा बोला है। नदी किनारे टूटे तटबंध देख बिफरे अभियंता। तो मधकोट से खबर आई है। इसी के साथ खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे जिले में लगेगी आरटीपीसीआर मशीन। तो एक दिन में हो सकेगी 200 से अधिक की जांच, नहीं करना पड़ेगा हफ्ते का इंतजार। चंपावत में कोरोना से 5वीं मौत हो गई है। तो कोरोना संक्रमित पाए गए एक बुजुर्ग के उपचार के दौरान हल्द्वानी में मौत हो गई।
खबर आई है लोहाघाट से, जहाँ पे फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर के युवती के खिलाफ डाली आपत्तिजनक पोस्ट। तो पार्टी विकास खंड एक गांव की युवती ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अपने ही गांव की युवती के विरुद्ध अपमानजनक पोस्ट प्रसारित कर दी। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दोषी युवती का पुलिस एक्ट में चालान किया है। बेरोजगारों को टूरिस्ट बस खरीदने पर मिलेगा 15 लाख का अनुदान। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत अब स्वरोजगार करने वाले युवाओं को टूरिस्ट बस खरीदने पर 15 लाख तक का अनुदान मिलेगा। पहली बार साहसिक खेलों के उपकरण खरीदने के लिए भी योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो 7 बाइक के साथ 2 चोर दबोचे गए हैं। तो एसपी सिटी ने टीम को 1500 इनाम देने का किया ऐलान। जिले में चोरी कर उत्तर प्रदेश में लगाते थे ठिकाने। तो पुलिस ने चोरी की 7 बाइक के साथ 2 ऑटो लिफ्टर दबोच लिए हैं। दोनों ने पिछले कई वर्षों से बाइक चोरी कर पुलिस की नाक में दम कर रखा था। वही खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पर मोबाइल शॉप से हजारों का सामान उड़ाया गया है। खबर आई है रुद्रपुर से, जहां पे साथी अंदाज ढोल व चूल्हा के नाम से करते थे बात। 26 व 27 को होगी मास्टर पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं। तो कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष 2020-21 में पंतनगर विश्वविद्यालय की मास्टर एमसीए व पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जाएंगी। संयोजक प्रवेश ने इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। स्नातक में प्रवेश 12वीं की मेरिट के आधार पर होगा। रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे नाबालिग को बहला कर भगा ले गया युवक, मुकदमा दर्ज किया गया। तो नाबालिग को युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। घर से गायब होने पर परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे हाइड्रा की चपेट में आए 8 महिलाएं। तो सड़क किनारे खड़ी होकर महिला ई रिक्शा का इंतजार कर रही थी, तभी एक बेकाबू हाइड्रा की चपेट में आए ई रिक्शा से घायल हो गई। घायलों को राजकीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ एक महिला की हालत गंभीर है। अंडरवर्ल्ड डॉन समेत 95 कैदी संगत मिले हैं। तो यूएस नगर जिले में 182 संगत मिले। पीपी के इलाज के लिए प्रशासन परेशान है।